नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतनसेन भारती। आज हम बात करेंगे दरभंगा एयरपोर्ट के बारे में। दरभंगा एयरपोर्ट से उड़ान सेवा शुरू होने के एक साल पूरे हो गए हैं। पिछले साल 8 नवंबर को यहां से उड़ान सेवा की शुरुआत हुई थी। इतने कम समय में इस एयरपोर्ट ने पूरी सुविधा बहाल न होने के बावजूद कई उपलब्धियाँ हासिल कर ली है। बता दें कि इस दौरान रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत देश में दरभंगा सहित 63 शहरों में एयरपोर्ट कोल बनाए गए थे। इन 63 एयरपोर्ट में यात्रियों के आने जाने के मामले में दरभंगा हवाई अड्डा लगातार नंबर वन पर रहा। अभी 63 नए एयरपोर्ट की तुलना में दरभंगा आने और जाने वाले यात्रियों की संख्या सबसे ज्यादा है। पिछले 11 महीने में इस एयरपोर्ट से तकरीबन 4.60 लाख यात्रियों ने टेक ऑफ और लैंड किया है। इस एयरपोर्ट से प्रतिदिन 2000 से 2200 यात्री आते जाते हैं। इस एयरपोर्ट से नॉर्थ बिहार के 18 जिलों और नेपाल के यात्रियों को भी सुविधा हुई है। इधर एक साल होने के मौके पर बोलते हुए जल संसाधन व सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री संजय झा ने कहा है कि हम मिथिला वासियों के लिए खुशी एवं गर्व का दिन है। उन्होंने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा कि दरभंगा एयरपोर्ट के एक साल के शानदार सफर के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति पुनः आभार। मिथिला के विकास के प्रति मुख्यमंत्री के व्यक्तिगत अभिरुचि के कारण एक एयरपोर्ट के लिए दरभंगा को चुना गया। बता दें कि एक साल में 5 लाख से ज़्यादा लोगों ने इस एयरपोर्ट से सफ़र किया है। वित्तीय वर्ष 2021-2022 में दरभंगा एयरपोर्ट ने 78 एकड़ भूमि अधिग्रहण के लिए 336,76,18,560 रुपये खर्च के प्रस्ताव को 11 अक्टूबर 2021 को बिहार कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दे दी गई। बता दें कि यह भूमि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को निशुल्क हस्तांतरित की जाएगी। इसमें 3,000 से 4,000 यात्रियों की क्षमता का एक नया टर्मिनल भवन, 8 विमानों के ठहरने की क्षमता वाला एप्रेन, 400 से अधिक वाहनों के लिए मल्टी फ्लोर पार्किंग, मखाना और लीची की सप्लाई के लिए कार्गो कॉम्प्लेक्स, रनवे पर अत्याधुनिक नेविगेशन फैसिलिटी, ग्राउंड स्टाफ के लिए प्रशिक्षण केंद्र और नया प्रशासनिक भवन शामिल है। बता दें कि इस 24 एकड़ जमीन में नाइट लैंडिंग डेवलपमेंट की भी स्थापना की जाएगी। तो इसके साथ साथ ये बता दें कि दरभंगा एयरपोर्ट जो है बहुत कम समय में सबसे ज़्यादा विकसित होने वाले एक तरह से कह लें कि एयरपोर्टों में से एक है। यहाँ सबसे ज़्यादा लोग जो है पिछले एक साल में आए और गए हैं। इसका खास कारण यह भी है कि उत्तर बिहार की कनेक्टिविटी में यह एक काफ़ी सहायक सिद्ध हो रहा है। खास करके अगर हम बात करें नेपाल की कनेक्टिविटी को लेकर, तो दरभंगा एयरपोर्ट जो है अब धीरे धीरे जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ओर भी विकसित होता जा रहा है। ऐसे में दरभंगा एयरपोर्ट को लोग पहली प्राथमिकता के रूप में ले रहे हैं। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे इन खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।